वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, 23 लोगों की मौत की खबर है, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर जो दो बम धमाके हुए हैं उसमें मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि धमाके के बाद अब गोलीबारी भी हुई है, फायरिंग की खबर भी सामने आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है। जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर मचा, भगदड़ मची, उसके बाद अब फायरिंग की खबर भी सामने आ रही है। एविगेट पर विस्फोट के बाद फायरिंग हुई है। काबुल मीडिया की तरफ से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं मौत के, 23 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की